हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपैरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर दर्शन के 2005 से 2022 तक सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, साथ ही साथ जानेंगे कितना मूवी बना, कितना कमाया, बॉडी टेरा हिट या फ्लॉप, साथ ही साथ जानेंगे अपकमिंग मूवी के बारे में, कौन कौन सा मूवी आने वाला और उसका बजट कितना रहेगा और किस दिन रिलीज होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर वन आया, ये मूवी आया था 2005 में। बजट की बात करें तो 1 करोड़ एंड कमाया था मूवी 2 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट रहा था, तो पहला मूवी हिट रहा था। बात करें हम नंबर दो मूवी आता है शास्त्री, ये मूवी भी 2005 में ही आता है। बजट की बात करें तो 1.5 करोड़ कमाता है ये मूवी मात्र 50 लाख का एंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता है। अब बात करेंगे नंबर तीन, तो मूवी आता है, मूवी का नाम है स्वामी एंड ये मूवी आता है 2005 में ही। बजट की बात करें तो 1.20 करोड़ कमाई करता है, 2.50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट जाता है। बात करें अब नंबर चार, तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है मंडिया एंड ये मूवी आता है 2006 में। बजट की बात करें तो 2 करोड़ कमाई करता है, 2.20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज का टैग लेता है। अब बात करें नंबर पाँच, मूवी आता है, मूवी का नाम है संतरा गाली एंड ये मूवी आता है 2006 में ही। बजट की बात करें तो 1 करोड़ कमाई करता है ये मूवी 1.10 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो फॉलोअप हो जाता है। अब बात करेंगे दर्शन सर का, नंबर छः पर कौन सा मूवी आता है, तो मूवी का नाम है दत्ता एंड ये मूवी आता है 2006 में ही। बजट की बात करें तो 1.20 करोड़ एंड कमाई करता है मूवी 88 लाख का, बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फॉलोअप हो जाता है। बात करें नंबर सात, मूवी आता है ठंगी गागी एंड ये मूवी भी 2006 में आता है। बजट की बात करें तो 2 करोड़ कमाई करता है ये मूवी 1 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर फॉलोअप हो जाता है। अब बात करेंगे नंबर आठ, मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है भूपति एंड ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो ये मूवी 3 करोड़ में बनता है एंड कमाई करता है मूवी 2 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी फ्लॉप हो जाता है। तो एक साथ देख सकते हैं कितना मूवी फ्लॉप हो रहा है। नंबर नौ, मूवी आता है स्नेहाना प्रीथिना एंड ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो 2.20 करोड़ कमाई करता है, 2.60 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहता है। 10 नंबर पर मूवी आता है अनाथारू एंड ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो 1.5 करोड़ कमाई करता है ये मूवी 3.40 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे दर्शन सर का नंबर 11, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग करते ही नहीं है। 11 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है गजा। इस मूवी को हिंदी में डब किया गया गजा ठाकुर के नाम से। बात करें इसका ईयर का तो 2008 रहता है। बजट रहता है 3 करोड़, कमाई करता 8 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर जाता है। कौन कौन देखा कमेंट में जरूर बताएं। बात करें नंबर 12, मूवी आता है इंदिरा एंड ये मूवी आता है 2008 में। बजट रहता 3 करोड़, कमाई करता है मूवी 6 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सेमी हिट का टैग देता है। अब बात करें अगर नंबर 13, तो मूवी आता है, मूवी का नाम है अर्जुन एंड ये मूवी आता है 2008 में ही। बजट की बात करें तो 4 करोड़, कमाई करता है मूवी 10 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर हिट का टैग देता है। 14 नंबर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है नवग्रह एंड ये मूवी आता है 2008 में ही। बजट की बात करें तो 3 करोड़, कमाई करता है मूवी 7 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर बात करते हैं मूवी हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे नंबर 15, मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है योद्धा एंड ये मूवी आता है, ईयर रहता है इसका 2009। बजट की बात करें तो 3.50 करोड़, कमाई करता है 9 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी भी हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे दर्शन सर का नंबर 16, तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है अभय एंड ये मूवी आता है 2009 में ही। बजट की बात करें तो 5 करोड़, कमाई करता है ये मूवी 3 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर फॉलोअप हो जाता है। अब बात करें अगर नंबर 17, तो मूवी आता है पोर्की एंड ये मूवी आता है 2010 में। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 7 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 30 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाता है, जो कि आप लोग देखे होंगे इस मूवी को। बात करें नंबर 18, तो मूवी आता है शौर्य एंड ये मूवी आता है 2010 में। बजट रहता है 5 करोड़, कमाई करता है मूवी 17 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। 19 नंबर मूवी आता है बॉस, हिंदी में इसको डब किया गया डबल बॉस नेम से। बात करें इसका ईयर का तो रहता है 2011। बजट रहता है 7 करोड़, कमाई करता है 13 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट रहता है। अब बात करें नंबर 20, मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है प्रिंस एंड ये मूवी आता है 2011 में। बजट रहता है 5 करोड़, कमाई करता है ये मूवी 3 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फॉलोअप हो जाता है। अब बात करें दर्शन सर का 21 नंबर पर कौन सा मूवी आता है, तो चलिए देख लेते हैं। मूवी का नाम है सारथी एंड ये मूवी आता है 2011 में। बजट की बात करें तो 8 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 40 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहता है। कौन कौन देखा कमेंट करके जरूर बताएं, जो नहीं देखा एक बार जाकर जरूर देखें, काफ़ी अच्छा मूवी है। अब बात करेंगे नंबर 22, तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है चिंगारी एंड ये मूवी आता है 2012 में। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 7 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी मात्र 7 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी डिजास्टर हो जाता है, मतलब कि महाफ्लॉप। अब बात करें नंबर 23, मूवी आता है संगोली रायना एंड ये मूवी आता है 2012 में। बजट रहता है 30 करोड़, कमाई करता है 55 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। तो संगोली रायना कौन कौन देखा है कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें नंबर 24, मूवी आता है बुलबुल, ये मूवी आता है 2013 में। बजट रहता है 12 करोड़, कमाई करता है 50 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी ब्लॉकबस्टर जाता है। 25 नंबर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है वृंदावन एंड ये मूवी 2013 में ही आया था। बजट की बात करें तो 15 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 30 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे दर्शन सर का नंबर 26 पर कौन सा मूवी आता है, तो चलिए देख लेते हैं। मूवी का नाम है अगराजा एंड ये मूवी आता है 2014 में। बजट रहता है 8 करोड़ एंड कमाई करता है 6 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता है।
अब बात करें नंबर 27 मूवी आता अमरीशा एंड ये मूवी भी 2014 में ही आता। बजट की बात करें तो 20 करोड़ एंड कमाई करता है 23 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लेता। अब बात करेंगे नंबर 28 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है मिस्टर ऐरावता एंड ये मूवी आता है 2015 में। बजट की बात करें तो 18 करोड़ एंड कमाई करता है 30 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता। अब बात करेंगे नंबर 29 मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है विराट एंड ये मूवी आता है 2016 में। बजट की बात करें तो 25 करोड़ एंड कमाई करता है 17 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप हो जाता। अब बात करें नंबर 30 मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है जग्गू दादा एंड ये मूवी आता है 2016 में ही। बजट की बात करें तो 16 करोड़, कमाई करता है 35 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता। अब बात करेंगे दर्शन सर का नंबर 31 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है चौका एंड ये मूवी का ईयर रहता है 2017। बजट की बात करें तो ये मूवी 4 करोड़ में बना था एंड कमाई किया था ये मूवी 25 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट का टैग लिया था। अब बात करें दर्शन सर का नंबर 32 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है चक्रवर्ती एंड ये मूवी भी 2017 में ही आता है। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 20 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 40 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी सुपर हिट का टैग लेता। अब बात करें दर्शन सर का नंबर 33 मूवी आता है तारक एंड ये मूवी आता है 2017 में। बजट की बात करें तो 10 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 30 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो ये मूवी भी सुपर हिट का टैग लेता। अब बात करें अगर नंबर 34 मूवी आता है यजमाना एंड ये मूवी आता है 2019 में। बजट की बात करें तो 15 करोड़, कमाई करता है ये मूवी 50 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर जाता है। काफ़ी मस्त मूवी है, एक बार आप लोग जरूर देखिए, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये मूवी। बात करेंगे अब नंबर 35 तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है कुरुक्षेत्र एंड ये मूवी आता है 2019 में ही। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 50 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी काफ़ी ज़्यादा यार 108 करोड़ एंड बॉक्स ऑफिस पर ये भी ब्लॉकबस्टर जाता है। दो मूवी ब्लॉकबस्टर देने के बाद देखिए आगे दर्शन सर क्या कमाल मचाएंगे, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। बात करें अब नंबर 36 मूवी आता है ओडे एंड ये मूवी आता है 2019 में। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 30 करोड़ एंड कमाई करता है 100 करोड़ जो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड बॉक्स ऑफिस पर ये भी ब्लॉकबस्टर जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं दर्शन सर कितना अच्छा मूवी करते हैं कि एक साथ तीन तीन मूवी ब्लॉकबस्टर देते हैं। बात करें नंबर 37 मूवी आता है रॉबर्ट एंड ये मूवी आता है 2021 में। बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 50 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 102 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। अभी तक 2005 से 2022 तक दर्शन सर 37 मूवी कर चुके हैं, तो आगे हम लोग अपकमिंग मूवी के बारे में जानेंगे। उससे पहले समरी देख लेते हैं कि कितना मूवी हिट रहा है कितना फ्लॉप। तो 2005 से 2022 तक टोटल मूवी 37 रहा है, जिसमें से बात करें अब डिजास्टर या फिर फ्लॉप मूवीज का तो 10 रहा है। अब बात करें दर्शन सर का एवरेज मूवीज का कितना मूवी एवरेज रहा तो 3 मूवी एवरेज रहा। अब बात करेंगे सेमी हिट या फिर हिट मूवीज का तो दर्शन सर का 8 मूवी रहा। अब बात करें सुपर हिट मूवी का कि दर्शन सर का कितना मूवी सुपर हिट रहा है तो 9 मूवी अभी तक सुपर हिट रहा दर्शन सर का। अब बात करेंगे ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज का तो 7 मूवी रहा है ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब बात करेंगे सक्सेस रेशियो का तो दर्शन सर का 73% जो काफ़ी बेस्ट है, आपके हिसाब से अच्छा है खराब कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करेंगे अपकमिंग मूवीज का कौन कौन सा मूवी आने वाला है तो टोटल 3 मूवी आने वाला है, जिसमें से पहला मूवी का नाम है क्रांति, इसका बजट रहेगा 80 करोड़ एंड ये मूवी आएगा 26 जनवरी 2023 को। बात करें नंबर 2 मूवी आने वाला D56, ये मूवी आएगा 18 फरवरी 2023 को। अब बात करते हैं लास्ट मतलब कि नंबर 3 तो मूवी आने वाला है राजा बीरा मदाकारी नायका एंड ये मूवी आएगा नवंबर 2023 को। टोटल 3 मूवी आने वाला है, तो कौन सा मूवी का आप लोग का है सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कमेंट में जरूर बताइएगा एंड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कौन सा मूवी कमाने वाला है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा मूवी करेगा हिट एंड कौन सा मूवी करेगा फ्लॉप कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा एंड दर्शन सर के आप लोग फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड ऐसे ही वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।